लेकिन जो मैंने कहा वो दोहराता हूँ, एक क्वेश्चन सेंटेंस कि सम्मान का मतलब ये है कि अब आपके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, और इसलिए मैंने कहा कि इस सम्मान से ये प्रेरणा लेंगे कि जो अच्छा काम अब तक किया है उससे और अच्छा काम करें। राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा देश के अनेक समाज सुधारक, समाज सेवक, राष्ट्र रक्षक, भारत की मुख्य आत्मा मानवता से ओतप्रोत लोगों का सम्मान राष्ट्र रत्न पुरस्कार से किया गया। राष्ट्र रत्न पुरस्कार का अर्थ है नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, नेशन लास्ट। इसलिए माँ से हम इंसान बनकर आते हैं, मातृभूमि से हम फिर से आत्मा बनकर भगवान के पास जाते हैं। इसलिए माँ और मातृभूमि, इसका गौरव सब में होना चाहिए। भारत की सनातन संस्कृति में वो ऊर्जा है, जब कोविड के अंतर्गत पूरी मानव जाति और मानवता हाहाकार कर रही थी, तब भारत की जीवन मूल्यों ने और समाज ने और सरकार ने विश्व की मानव जाति और मानवता का रक्षण करने का अद्वितीय कार्य है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, वैक्सीन और इसके साथ साथ मास्क और लॉकडाउन जैसे सुरक्षा कवच को देकर किया है। इसलिए भारत में जाति, पंथ, भाषा, लिंग, पार्टी के नाम पर हिंसा और भेद ना हो। हम एक देश, एक जन, एक संविधान, एक राष्ट्रगान, एक नागरिकता, एक झंडा का देश थे, हैं और रहेंगे। भारत ही सर्व जाति, सर्व धर्मों के सम्मान का और स्वीकार करने वाला स्थान है। इसलिए आज का संदेश बना, आओ एक भारत, एकजुट भारतीय बनकर भारत को चमकाएं और विश्व को भी रास्ता दिखाएं। इस प्रकार का एक संकल्प के साथ आज का यह श्रेष्ठ कार्यक्रम श्रेष्ठ भारत निर्माण के संकल्प के साथ हुआ। जाति, मजहब, पंथ, भाषा आदि के दलों भेदों से मुक्त होना है तो एक ही कीर्तन चाहिए, एक ही गीत संगीत चाहिए, भारत माता भारत देश। जय हिंद, जय भारत। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आज के इतने बड़े अवार्ड शो में मुझे आज गेस्ट बुलाया गया है। मैं जगन्नाथ धाम पुरी से आया हूँ और मुझे मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग भी हैं जो जगन्नाथ धाम में इधर आए हैं, इधर प्रभु जी के वो भी भगवान के पंडित जी पंडित लोग हैं, हम भगवान का सेवा करते हैं। और इधर में प्रभु जी का हमको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि हमारा एक संस्था है जगन्नाथ धाम पुरी में जो गरीब लोगों को भगवान का महाप्रसाद मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अन्नदानम। उसका हमारा जो संस्था का नाम है अन्नदानम, तो उसके माध्यम से हम जितने भी गरीब लोग हैं तो उन लोगों को मुफ्त में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए ये छोटा सा मुझे मालूम नहीं कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, कि जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है और मुझे आप लोगों के बीच में प्रभु जी ने ला के खड़ा कर दिया है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे ऐसे शक्ति और ऐसा विश्वास प्रभु जी देते रहे और मैं ऐसा सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं शुभ मल्होत्रा, मुझे अवार्ड जो मिला है फैशन एंड स्टाइल आइकॉन का अवार्ड, ये बहुत सम्मान वाला अवार्ड है। राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन जो प्रकाश जी का है और राष्ट्र रत्न अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के जो मेन अतिथि जिनके हाथों मुझे मिला है वो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मिस्टर आरिफ जी आए, गवर्नर साहब, हमारे हिंदुस्तान के गौरव, और आरएसएस के भी महा एकदम क्या कहूँ मैं, मैं एकदम स्पीचलेस हो गई हूँ, मेरे लड़खड़ा रही हूँ, जबान लड़खड़ा रही है। बट इतना सम्मान मिलना ना बहुत बड़ी बात है। और आज साथ साथ मुझे जगन्नाथ जी के भी देखो आशीर्वाद मिल गया। जय जगन्नाथ।
ये सौभाग्य से सब मिलता है, आपके कर्मों से सब मिलता है। और एक अच्छा इंसान होना वो ही चीज़ आपको यहाँ इस दर पे लाके खड़ा करता है। तो मैं और क्या कहूँ, माता जी का आशीर्वाद है। जगन्नाथ जी हैज कम टू यू, दिस इज नॉट अ फ्लैग, जगन्नाथ। यस, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई लाइक आई सेड, मेरे पास लव्स नहीं है सिवाय धन्यवाद और जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, बस जय हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिंदगी की सबसे खूबसूरत अचीवमेंट और आगे जाने के लिए बहुत बड़ा धैर्य और बहुत आगे जाना है अभी, जिसकी जिसका ये माइल फाउंडेशन स्टोन रहेगा ये अवार्ड। धन्यवाद। और कुछ यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया राज्यपाल के हाथों? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा माहौल था शाम का? माहौल यानी मार्वलस, यानी कोई दूसरे शब्द ही नहीं। राज्यपाल जी का भाषण, इंद्रजीत जी का मार्गदर्शन और सारा वातावरण और सारे अवार्डीज की जो बॉडी लैंग्वेज और उनका एंथुजियाज्म जो देखने को मिल रहा था, बहुत ही बढ़िया था। बहुत बड़ी ऊर्जा मिली इससे।